तो आज हम सीख रहे हैं CSS के बारे में। CSS क्या है? कैस्कैडिंग स्टाइल शीट। अब ये क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है किस लिए? ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है थीम या यूँ कह सकते हैं स्टाइल डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। और इस लैंग्वेज का जो कोड है, यानी कि CSS कोड्स अप्लाई ऑन HTML एलिमेंट्स। और इसका कोड जो अप्लाई होगा वो किस पर अप्लाई होगा? HTML के एलिमेंट्स पर। अब HTML एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमें पता है, जो भी टैग्स होते हैं, टैग्स, ऑल टैग्स आर द HTML एलिमेंट्स, जिसमें शामिल हो गए कौन कौन से? फॉर एग्जांपल के तौर पे वो शामिल हैं उसके अंदर ये बी हो गया और एच हो गया, ये सब HTML एलिमेंट है। UL हो गया, जो भी लेस देन ग्रेटर देन में लिखा जा रहा है, LI हो गया, ये सब के सब क्या हैं? HTML एलिमेंट, जो आप पहले सीख चुके हैं। तो याद रखें, CSS का कोड खुद से कुछ नहीं होता, लेकिन CSS का कोड अप्लाई होता है किस चीज़ के ऊपर? HTML के एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो हम यूँ भी कह सकते हैं CSS रीडिफाइन HTML एलिमेंट्स। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि CSS जो है HTML का जो एलिमेंट की कारकर्दगी है, जो भी उसकी स्टाइल है, उसको ये इन्हांस कर देता है। मतलब जैसे चाहे हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहली तो ये बात आ गई। अब CSS का कोड कितने तरीके से लिखा जा सकता है? CSS कैन अप्लाई बाय थ्री मेथड्स। तो पहला मेथड है इसका, ठीक है, वो मेथड है, इसको हम कहते हैं इन लाइन CSS। क्या? इन लाइन CSS। दूसरा है इंटरनल CSS। और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। ये तीन तरीके से आप CSS के कोड को अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। एक है इन लाइन, दूसरा है इंटरनल, और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। तो ये तीन मेथड हैं जिस तरीके से आप अपने CSS के कोड को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर। CSS का कोड जो है उसमें शामिल क्या है? CSS कोड्स इंक्लूड, क्या इसमें शामिल है? इसके कोड में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जैसे HTML में हमने उसके टैग्स पढ़े थे, HTML बॉडी, LI, UL, ये सारे उसके कमांड्स थे, कोड्स थे जिनको हम टैग्स कर रहे थे। तो CSS के कोड में CSS कोड्स इंक्लूड, इसमें देखिए क्या होती है। CSS कोड में प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी की उर्दू में मीनिंग है खसूसियत, लेकिन अगर हम उसको समझें एक एग्जांपल के जरिए, तो प्रॉपर्टी एक एडजेक्टिव होता है। मतलब किसी भी चीज़ की स्टाइल, विड्थ, हाइट, कलर, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले से मौजूद हैं, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज हैं, हम यूँ कह सकते हैं बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ मतलब वो पहले से मौजूद है, सिर्फ आपको उसको समझ रहे हैं कैसे लिखना है और कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि आप उसको कैसे लिखेंगे। एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विड्थ। तो अब ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट पर लिखेंगे तो ये उसकी विड्थ को कंट्रोल करेगा। फिर बीच में लगाएंगे कॉलन, इसको हम कहते हैं सेपरेटर। क्या कहते हैं? सेपरेटर। और उसके आगे अगर हमने इसकी वैल्यू लिखी पिक्सल में, तो ये 400 जो पिक्सल लिखा ये कहलाएगा इसकी वैल्यू। और ये जो मैंने लगाया इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। टर्मिनेटर जो टर्म सी में भी हमने लगाते थे, तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लगा सकते हैं। तो आप इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके। पहले हम एक HTML का पेज लेते हैं सिंपल सा, और उस पे ऊपर इस मेथड के ज़रिए हम आज CSS के कोड को अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरह से अप्लाई हो रहा है, और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल सीखेंगे। वो प्रॉपर्टीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जितनी मैक्सिमम हो सकेंगे हम उसको समझेंगे, करेंगे, और फिर अगर वो याद नहीं भी होती तो वो हम उनको कॉपी करके कहीं से पेस्ट करके भी उनसे काम ले सकते हैं। पर हमें समझ में आना चाहिए वो प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले भी हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर जा रहे हैं एक इसके ऊपर, यहाँ पर से डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में जाके हम एक फोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है CSS। और उसके अंदर एक फोल्डर बना रहे हैं आपके ग्रुप के नाम से जिसका नाम है रॉयल, और उसके अंदर हमने ये बना दिया। अब हम जाएंगे अपने कोड एडिटर की तरफ जिसका नाम है विजुअल कोड, और यहाँ से विजुअल कोड को एक्सिक्यूट करेंगे। और यहाँ से जाके हमने फाइल में जाके पहले क्लिक करना है, और यहाँ से उसको कर देना है क्लोज फोल्डर, एंड देन क्लिक करके फाइल के मेन्यू में टूलबार से जाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर, और यहाँ पे क्लिक करके आप जाएंगे इसको डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ से आप लेंगे CSS, और CSS में लेने के बाद आप यहाँ से लेंगे एक और फोल्डर जो आप लेना है रॉयल के नाम से, और उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे।
फिर यहाँ से आप आएंगे फाइल में, और यहाँ से हम एक न्यू फाइल लेंगे और उसको क्लिक करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद वही हम HTML का पेज सेव करेंगे जैसे हम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास 01 और लिखने के बाद आगे लिखेंगे .html और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद शिफ्ट का बटन दबाएंगे 1 के साथ और एंटर करेंगे तो ये हमारा बेसिक HTML का कोड आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं CSS क्लास 01 इंट्रोडक्शन हो चुका है, वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये हम इसको वेब ब्राउज़र पे देखने के लिए राइट बटन दबाएंगे, प्रीव्यू एक्सप्लोरर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके राइट बटन दबाएंगे और इसको ओपन विथ करेंगे और यहाँ से गूगल के ऊपर हम इसको ब्राउज करेंगे। तो ये हमारे सामने खुल गया। इसको मैं उठा के यहाँ से अलग कर रहा हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। ये हमारा वो वेब पेज है जो हमारे सामने आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि CSS का कोड अप्लाई होगा किसके ऊपर, HTML एलिमेंट के ऊपर, और उससे बनाएंगे हम थीम स्टाइल वगैरह जो भी। तो इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी, या बॉडी खुद, ये भी तो एलिमेंट है ना, ये भी CSS एलिमेंट है, 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 तो किसी के ऊपर भी आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिसाल, सबसे पहले एक यहाँ डिव बनाते हैं। ये डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया हमने, तो इससे एक ब्लॉक बनेगा और उसमें हम लिखते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ हम लिख रहे हैं सपोज टू बी CSSHunter.com। तो ये तो नॉर्मली इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस डिव के ऊपर CSS को किस तरह से इसका फॉर्मेट, स्टाइल, डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो पहला मेथड CSS का है इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड का मतलब ये होता है हर एलिमेंट के लिए CSS का कोड अलग लिखा जाएगा, हर एलिमेंट के लिए CSS का कोड अलग लिखा जाएगा। और उसको कैसे लिखेंगे ये देखें, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इस एलिमेंट के आगे स्पेस देंगे, यहाँ पर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद इक्वल टू डबल कोटेशन लगाएंगे। अब उसके बाद आपने इसके बीच में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी ये वैसे ही दिखा रहा है आपको, देख रहे हैं, ये सब वो प्रॉपर्टी है जो CSS की प्रॉपर्टीज है जो आप यूज करने वाले हैं। कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यार इसका फॉन्ट साइज जो है ना ये इंक्रीज करे। तो एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फॉन्ट डैश साइज, वो वैसे ही लिखनी है जैसे वो है। इसमें छोटी बड़ी एबीसी का मसला है, अगर छोटी एबीसी में छोटी में लिखना है, बड़ी है तो बड़ी में ही लिखना है, यानी कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने लिखा फॉन्ट तो देखिए खुद ही लिखा गया फॉन्ट डैश साइज। अब मैंने इसमें से उसको चूज़ कर लिया, ठीक है, और क्या कर दिया एंटर, तो उसके आगे कॉलन भी लिखा हुआ आ गया और सेमी कॉलन भी आ गया। अगर नहीं आ रहा तो आपको लिखना है। अब ये कह रहा है कि भाई उसकी वैल्यू बताओ क्या रखना है, लार्जर, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, कैसे रखना है। मैंने कहा इसको रखना है लार्जर, ये मैंने इसकी वैल्यू पास कर दी और आगे देखें स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा दिया। तो ये फॉन्ट डैश साइज जो है ये प्रॉपर्टी हो गई, और ये देखें कॉलन के बाद इसको मैंने लार्जर कर दिया, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके सेव किया, तो ये देखें लार्जर हो गया। लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ, तो हम इस वैल्यू को अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं पिक्सल्स के अंदर। कैसे, हम इसको कहते हैं इसको 32 पिक्सल का कर दे, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, और इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो ये देखें इस तरह से बड़ा हो गया। ठीक, समझ में आ रही, और बड़ा भी कर सकते हैं, 132 पिक्सल करते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, तो ये और बड़ा हो जाएगा और ये फिर आपको इस तरह से नजर आएगा। और अगर हम थोड़ा सा कम कर दें इसको, 96 पिक्सल पे कर दूं मैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा CSSHunter.com। क्लियर हो गई, तो एक प्रॉपर्टी हमने इस पर डाली। अब ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट पर आप डालेंगे तो वो यही काम करेगी। अब आ जाएं दूसरा है, हम बनाते हैं इसके नीचे एक और एलिमेंट बनाते हैं, हमने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया और उसमें कुछ लॉरेम ले लिया, ठीक है, तो एक पैराग्राफ बन जाएगा, वो अपने हिसाब से जैसा होता है काम कर रहा है। अब उसके ऊपर अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो उसके अंदर भी स्टाइल यूज़ करेंगे, फिर फॉन्ट डैश साइज की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब कितना रखना चाह रहे हैं, हमने कहा इसका साइज रख दे वो 22 पिक्सल, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे इस तरह से आपको समझ में आ गया कि उसने उसको इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी वही है लेकिन जिस आप एलिमेंट पे लगाएंगे उस पे वो उस तरह से काम करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है, मिसाल के तौर पे फॉन्ट जो है थोड़ा सा गहरा बोल्ड नज़र आए, तो फॉन्ट डैश बोल्ड। अब दूसरी प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी का ये सेमी कॉलन आएगा उसके बाद लिखेंगे। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे भी चल सकते हैं, आगे जाएं फॉन्ट डैश वेट की प्रॉपर्टी ले लिया आपने। अब इसके लिए कह रहा है क्या हो, तो उसकी वैल्यू हमने पास करी बोल्डर, क्या बात करी बोल्डर, बोल्ड भी है बोल्डर भी, तो ये देखिए यही फॉन्ट आपका थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, सही देखा आपने, समझ में आ रही है बात। अब इसी तरह अगर आप इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर लें। एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे फॉन्ट के कलर चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा COLR कलर। कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है किसके लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। कलर लिखा, कॉर्नर लगाया,
आपसे पूछ रहा है ये कलर की स्कीम दे रहा है इतने सारे, कौन से कलर देना है, आपने कहा भाई यार इसका ऐसा कलर कर दो, डार्क रेड कर दो, कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे देखे जाके इसका कलर डार्क रेड हो गया। अब यही प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब ऐसे अगर आप आगे जा रहे हैं ना तो आपको मसला हो रहा है, तो आप नीचे भी आ सकते हैं, मतलब ये डबल कोटेशन और इससे पहले आप इंटर कर दें, ये देखें यहाँ आ गया, ये इसके बीच में। अब आप यहाँ पे लिख लें, मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेता हूँ, देखें इसको टैप दे दिया मैंने, आगे इंटर कर दिया, इसको इसके नीचे ले आया और यहाँ पे टैप कर दिया और यहाँ पे इंटर करके अब यहाँ पे आ गया। अब देखें ये कोटेशन यहाँ शुरू है यहाँ बंद है, इसके अंदर ही लिखना है भले नीचे कितना चला जाए। अब यहाँ पे आपने कलर प्रॉपर्टी लिखी, इससे हमें समझने में आसानी होगी और कोई बात नहीं है। और इसका कलर हमने यहाँ पे से सपोज टू बी ये कोरल सेट कर दिया और सेव कर दिया और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, तो देखें लिखा हुआ आ गया CSS Hunter.com का कोरल कलर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है मिसाल के तौर पे इसका बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है, यानी कि इसके जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है उसका कलर चेंज करना है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, इंटर करके मैं नीचे आया तो यहाँ पे आके मैंने बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया और यहाँ से बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ले ली और ये कह रहा है इसका कलर कैसा होना चाहिए। देखिए आगे ऑरेंज है तो पीछे कौन सा कलर हो, अब लाइट कलर आगे है तो पीछे कलर कौन सा लेंगे, हम थोड़ा डार्क कलर लेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया सपोज टू बी ये वाला ब्लू डार्क कलर और सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखिए इसके ऊपर लिखा गया CSS Hunter.com। सही, कैसा ज़बरदस्त लग रहा है, आ रहा है समझ में? तो अगर अब बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इस पे लगाएंगे पैराग्राफ के ऊपर तो इसमें अपना ही ये काम करेगा। इसको भी मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ, इंटर 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 टैप कर देता हूँ आगे, और इसको भी एक टैप करके आगे ले जाता हूँ, और इसको भी आगे करके इंटर करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर। अब उसका कलर मैंने चूंकि लाइट रेड कर देता हूँ, ये लाइट कलर दे दिया, इसके अंदर मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखें उसमें इस तरह से आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? तो इस तरह से CSS का कोड आपके HTML के कोड के साथ मिलकर काम करता है, और जब वो काम करता है तो ये प्रॉपर्टीज़ के काम आपको समझ में आने चाहिए, वो उसी के साथ मिलकर इसको देख लेता है। अब एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश स्टाइल के नाम से, फॉन्ट डैश स्टाइल, तो यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी लेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इटैलिक हो ऑब्लिक हो, इटैलिक मतलब टेढ़ा, तो ये हमने ऑब्लिक ले लिया, सेव कर दिया इसको, तो ये देखें हमारा टेक्स्ट इस तरह से इटैलिक होकर नज़र आएगा, तो ये देखें फिर हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। अच्छा, फॉन्ट साइज़ के बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फॉन्ट डैश फैमिली, फॉन्ट डैश जिससे आप इसका पूरा फॉन्ट ही चेंज कर देंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे FONT-FF Family, यहाँ पे फॉन्ट डैश फैमिली लिया आपने, और ये देखें सारे फॉन्ट्स की लिस्ट बनी बनाई आ गई आपके सामने, यहाँ से जो भी फॉन्ट आप उसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं वो फॉन्ट आप उसके ऊपर लगा देंगे, और जैसे इसको सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें आपका पूरा फॉन्ट यहाँ पे भी चेंज हो गया, और यहाँ पे जाके आप जब उसको अप्लाई करेंगे यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे फॉन्ट डैश फैमिली, तो यहाँ पर भी उसी का इम्पैक्ट इसी तरीके से पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, जैसे हमने ट्रिब्यूट MS ले लिया और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया। सही है, इसी तरीके से अगर आपने फॉन्ट डैश फैमिली काफ़ी इतना और ठीक काफ़ी है।